पूरा झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है, तो बढ़ती तापमान और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। झारखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 और 14 जून को पलामू प्रमंडल के साथ कोल्हान में अधिक गर्मी के अनुमान के साथ रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। रांची में बढ़ रही गर्मी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। पूरे झारखंड राज्य में बढ़ रही गर्मी और तापमान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। पारा 40, 41 और 42 के पार जा रहा है। झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों में गर्मी इस कदर पड़ रही है कि जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जीव जंतु भी परेशान नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें तो रांची की सड़कों में जिस तरह से वाहनों का आवागमन होता था वो भी अब कम नजर आ रहा है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है ये देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रांची का हरमू बाईपास रोड और डिबडी पुल के समीप की तस्वीर है, जहां सरपट जो गाड़ियां दौड़ती थी अब उन गाड़ियों में कमी आ गई है और जिस तरह से आवागमन होता था वो यहां नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं तपती गर्मी और धूप ने लोगों को परेशान कर रखा है, खासकर झारखंड राज्य में जो उमस वाली गर्मी पड़ रही है इससे कहीं ना कहीं लोग हल्का नज़र आ रहे हैं। और झारखंड के कई जिलों में डिग्री जो है तापमान जो है वो करीब 40 से 42 डिग्री 44 डिग्री जा रहा है। बीते दिन की बात करें तो राजधानी में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर पलामू प्रमंडल की बात करें तो पलामू और कोल्हान में भीष्म गर्मी पड़ने की बात मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कही गई है। इतना ही नहीं, इसे लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं बाकी के जिले जो हैं वहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह से गर्मी पड़ रही है वो झारखंड के लिए एक बड़ा चिंता का सबब है। लेकिन खास बात ये भी है कि मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये भी बताया गया है कि फिलहाल 15 और 16 तारीख तक मानसून का आगमन नहीं होगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने ये बताया कि 15, 16 और 17 तारीख को झारखंड के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश भी होने की संभावना है। सड़कों पर जिस तरह से हाल लोगों का हम आपको दिखाएंगे कि लोग अपने माथे पर टोपी, रुमाल, गमछा और छतरी का सहारा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि गर्मी इस कदर बढ़ रही है कि लोग परेशान हैं। फिलहाल अभी तापमान में जिस तरह से वृद्धि हो रही है, गर्मी पड़ रही है, इससे लोगों को राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन दो दिनों के बाद हो सकता है कि झारखंड के कई जिलों में हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से गर्मी है इससे लोग परेशान हाल है और इस गर्मी की वजह से हल्का नजर आ रहे हैं। सहयोगी सदाब के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।